हेलो वेलकम टू बी बैंकर रीसन जी। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ डेली लाइफ सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्पोकन इंग्लिश क्लास चल रही है और स्पोकन इंग्लिश क्लास की ये 17th क्लास है, 17वीं क्लास है। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो कोर्स है वो एग्जैक्टली 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मैं याद दिला दूं कि 29 जुलाई 2019 को ये कोर्स शुरू हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ये 29 सितंबर 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा। और पहले वीडियो मैंने आपको बताया है कि स्पोकन इंग्लिश की 5 पिलर है जो इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, है ना। और हम लोगों ने 4 पिलर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, हम लोग अब 5वें पड़ाव में हैं, 5वें पिलर्स में एंटर कर चुके हैं इस वीडियो के साथ। और ये डेली लाइफ सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी 4 वीडियो आएगी। ये पहली वीडियो है और हर वीडियो में आपको 10-10 डेली लाइफ सेंटेंस बताऊंगा जिसके हेल्प से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप सीख जाओगे कैसे आपको यूज़ करना है, ओके। एंड जिन लोगों ने नहीं देखी है पिछली क्लासेस प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप सीधे हमें व्हाट्सएप करके भी लिंक की प्राप्ति कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। और हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एवरीवेयर वी आर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए माय फ्रेंड, इससे हमारी थोड़ी एनर्जी बूस्टअप होती है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है घर आओ, कम टू होम। यहाँ पे कम टू द होम भी बोल सकते हैं, द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम टू द होम, क्लियर है। या सिंपली अगर हम लोग स्पोकन में थोड़ी बहुत छूट मिलती है, थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिलती है तो थोड़ा ग्रामर जो है वो इग्नोर हो सकता है, है ना। तो कम टू द होम भी होगा, कम टू होम भी होगा। नेक्स्ट घर जाओ तो गो टू होम या गो टू द होम, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस इज टॉवल देना। घर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना, अरे भाई टॉवल देना यार, है ना। तो यार टॉवल देना, सो हिंदी में बात करूँ तो टॉवल देना, गिव मी द टॉवल, तौलिया गमछा। नेक्स्ट इज भागो यहाँ से, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, लीव फ्रॉम हियर, लीव LEAV, लीव फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज अगर आप बोल रहे हैं अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, किसी भी छोटे या रिस्पेक्टेड जो भी आपके मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, पंखा चला दो तो स्विच ऑन द फैन, क्लियर है। अब देखिए पंखा चला दो, टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी, किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, अब जैसे मैं आप यहाँ पे AC ऑन कर दो, तो मैं आप यहाँ पे आपको 10 एग्जांपल AC ऑन कर दो, TV ऑन कर दो, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आपको बस स्विच, जिस चीज़ को स्विच ऑन करना है, ऑन करना है तो ऑन करने के लिए आप स्विच ऑन द फैन, ऑफ करना है तो स्विच ऑफ द फैन, है ना। यहाँ पे कोई भी अप्लायंसेस आप यूज़ कीजिए, क्लियर है। AC ऑन कर दो, TV ऑन कर दो, टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो, एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पे आप स्विच आउट कर देंगे, मतलब आप खुद से यहाँ पे चेंज करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बर्तन साफ़ कर दो। बर्तन साफ़ कर दो, जाहिर से बात है ये मेल को ये चीज़ कम सुनने को मिलती है, फीमेल्स को ज़्यादा मिलती हैं, बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी को भी सुनने को मिल सकता है, तो आपको जानना चाहिए। क्लीन द डिशेस, बर्तन साफ़ कर दो, क्लीन द डिशेस, या क्लीन द पॉट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि POTS पॉट्स मतलब बर्तन एग्जैक्टली होता है, बट डिशेस भी होता है, डिशेस थोड़ा स्टैंडर्ड है, पॉट्स थोड़ा एग्जैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज बाज़ार से सब्जी ला दो, ये मेल्स को ज़्यादा सुनने को मिलता है, बाज़ार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग ब्रिंग वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ओके माय फ्रेंड। नेक्स्ट इज बिना वॉलेट के बाजार मत जाओ, या बिना मनी बैग के या बिना पर्स के बाजार मत जाओ, तो जो भी होगा वहाँ पे आप डाल देंगे, इंग्लिश होगी डू नॉट गो टू द मार्केट विदाउट वॉलेट, डू नॉट गो टू द मार्केट विदाउट पर्स, डू नॉट गो टू द मार्केट विदाउट मनी बैग, एनीथिंग यू कैन यूज, ओके। नेक्स्ट इज इसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर यानी कि टेबल के नीचे नहीं, टेबल के ऊपर, तो ऑन लग जाएगा, पुट इट ऑन द टेबल। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हो सकता है कि मोबाइल को टेबल पर रख दो, तो पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, बैग को टेबल पर रख दो, पुट द बैग ऑन द टेबल, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, समझिएगा पैटर्न को, मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा इसमें कुछ भी थोड़ा सा, इसमें आप फ्लेक्सिबल होइएगा, थोड़ा सा इसमें ये कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कुछ भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, इज नॉट इट। नेक्स्ट इज अपना ध्यान रखना, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, क्लियर है माय फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया आपको वीडियो, तो जरूर से जरूर वीडियो को अगर शुरू में लाइक नहीं किया तो अभी कर डालिए,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी द बैंकर। फॉलो कीजिए पूरी सीरीज को, बने रहिए वीडियो के अंत तक, पूरे सीरीज के अंदर, क्योंकि 29 सितंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग अगर इस डेट पे नहीं देख पा रहे हैं वो पिछले सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर लीजिए, और ये सीरीज अगर आप अभी देखें तो अभी तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बने रहिए बी बैंक के साथ। बी विद बी बैंक इंस्पायरिंग लाइफ स्टाइल नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।